श्री गुरु नानक देव जी लोकां नूं सीधे रस्ते पांदे होए एक वार दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली पहुँच के एक महावत जो हाथी चलाउण वाला उसके घर कोल जाके बैठ गए। उत्थे महावतां दे घर सन तां महावतां ने गुरु जी की बहुत सेवा की। उत्थे उस समय दूजे पास्यों रोण की आवाज़ आई तो गुरु जी ने पूछया, भाई ये लोग रोंदे क्यों हन? ता अगू पता लगा कि एक हाथी मर गया है। गुरु जी कहन लगे, हाथी किस दा सी? उन्होंने जवाब दिता, जी हाथी दिल्ली दे बादशाह ब्रह्म बेग दा सी। गुरु जी कहन लगे कि जेकर हाथी बादशाह दा सी फिर तुसी क्यों रोंदे हो? महावत ने जवाब दिता, जिस हाथी दे सहारे साड़ी रोजी रोटी चलती सी, हाथी दा रोजीना बादशाह ने बन्निया सी, उस विच्चों मेरे टब्बर दा गुजारा चलदा सी। एह वेख के महावत उत्ते बाबे नानक नूं दया आई तां गुरु जी ने कहा कि भाई जेकर तुहाडा हाथी जिंदा हो जावे। गुरु जी की गल सुन के महावत कहन लगे, जी मरे हुए भी कदी जिंदा होए हन? तां गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई इस दे मूँह उपर वाहिगुरू कह के हथ फेरो। उन्होंने इस तरह ही किया तो हाथी जिंदा हो गया अते उठ खड़ा होया। महावता ने बड़ी खुशी मनाई, गुरु जी के चरण पकड़े। महावत ने इस गल की खबर बादशाह नूं जा दसी तो बादशाह बड़ा हैरान होया। उसने हाथी मंगवाया अते तैयार होके हाथी उपर बैठ के आखन लगा, मैनू उस फकीर कोल लै चलो जिसने हाथी नूं जिंदा किया है। महावत बादशाह नूं उस थां ते लै गया जिथे गुरु जी विश्राम कर रहे सन। उसने गुरु साहिब दे दर्शन किते अते आख्या, यह हाथी आपने जिंदा किया है। तो गुरु जी कहन लगे, भाई मारन जवालन वाला तां परमात्मा है। फकीर खुदा अगे अरदास करदे हन अते परमात्मा उन्हां दी अरदास सुन के भगतां दे कारज सवार दिंदे हन। फिर बादशाह ने कहा, यह गल सानू भी करके विखाओ। गुरु जी ने उत्तर दिता कि मारन जवालन वाला होर कोई नहीं, इक्को एक परमात्मा है। उस समय गुरु जी ने एक श्लोक बोलिया, मारे मार जवालिया सोई, नानक एस बिन अवर ना कोई। तां इन्ना कहन नाल ही हाथी फिर मर गया। तां ब्रह्म बेग फिर कहन लगा, हुण फिर इस नूं जिंदा कर दिओ। गुरु जी ने कहा कि मुरदे नूं जिंदा करन वाली शक्ति तां परमात्मा वाहिगुरु पास ही है। प्रभु तो बिना होर किसे कोल यह शक्ति नहीं है। राजे कोल एक फकीर नमाजू दिन बैठा सी जो गुरु साहिब नूं पछाण गया सी कि यह खुदा दा रूप हन, सब कुछ करन दे समर्थ हन। उसने राजे नूं कहा कि इना ते शरदा धारण करो, इना दे बचन बेअर्थ नहीं जा सकते, क्योंकि भगतां दी शक्ति प्रभु दे बराबर ही हो जाती है। नमाजुद्दीन ने बेनती की, गुरु जी तुहाडे अते खुदा विच कोई भेद नहीं है। संत जेकर किसे नूं मार सकते हैं तो जिंदा भी कर सकते हैं। गुरु जी ने मरदाने नूं कहा कि जाओ पानी का घड़ा लै के वाहिगुरू कह के हाथी नूं पानी दे छिट्टे मारो। मरदाने ने छिट्टे मारे, हाथी उठ के बैठ गया। सारे गुरु जी के चरणों ते टै पए। साध संगत जी, जेकर तुहानू इह साखी पसंद आई होवे तां इस वीडियो नूं लाइक करो, शेयर करो अते कमेंट बॉक्स विच जाके वाहिगुरु जी जरूर लिखो।